कहते कहते रुक गया मैं और फिर मौन बहने लगा शब्द बनकर। वाह वाह। टुडे वी हैव इन आवर स्टूडियो कंसल्टिंग एडिटर ऑफ न्यूज नेशन नेटवर्क, इट्स नॉट जस्ट वन चैनल, नेटवर्क है पूरा, दीपक चौरसिया। अभी आप गए थे शाहीन बाग, वहाँ आपको काफ़ी एक हॉस्टाइल सिचुएशन का सामना करना पड़ा, मैंने वीडियो देखा था आपका। आप अकेले क्यों नहीं गए, आप सुधीर के साथ क्यों गए? वो जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ चलूं या हम दोनों साथ चलें। मुझे कोई इसमें बुराई नहीं लगी, मुझे लगा कि एक से भले दो चैनल, हम दोनों चले गए। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते। मतलब सुधीर जी तो पेलते रहता ना ज्ञान, तिहाड़ भी काटा है वो। आप मतलब आपने चुना भी तो ऐसे आप अपना उनका उनका साथीदार मतलब भाई साहब हम बात करना चाहते हैं आपसे। बात करेंगे? क्या बात करना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि क्या हम अंदर आके आपसे बात कर सकते हैं? नहीं सर। आपने जो सवाल पूछने थे आपने उनको लिख के भेजे सवाल? कहीं ऐसा होता है कि लिख के भेजे जाएं प्रदर्शनकारियों को सवाल कि भाई साहब मैं आपसे ये सवाल पूछने चाहता हूं, कृपया मुझे अनुमति दें। वो हमको दिखाते थे स्कूल के अंदर, फोर्थ फिफ्थ के अंदर। आपने बोला कभी ऐसा होता है? हुआ है कि पीएम मोदी को आपने लिख के सवाल भेजे? दीपक चौरसिया बोलते हैं, ये इलाका पूरे देश से कटता जा रहा है, हमें शाहीन नए शाहीन बागों को जन्म दिया जा रहा है। एंड दिस यू सेड, आई थिंक ये लाइन मैंने नहीं बोली, ये आपकी लाइन है। अगर होगी तो काट के लगा देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्यों ये इलाका पूरे देश से कटता जा रहा है और क्यों शहर शहर इस थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाकर नए शाहीन बागों को जन्म दिया जा रहा है? मैंने अगर कहा है तो कोई पर्टिकुलर वहाँ पर माहौल बना होगा, उसके कॉन्टेक्स्ट में कहा है। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। मैं गुजरात के दंगों में भी पिटा हूँ और कश्मीर के अंदर जो सेपरेटिस्ट को जब कवर करने गया हूँ वहाँ भी पिटा हूँ, हर जगह पिट के आया हूँ। पिटने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे पास, पिटने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे पास। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूँ कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के, मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमाई, मेरे मुँह में शब्द मत डालिए, अगर मेरे मुँह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब जमाई, अपने कान का इलाज करवा लीजिए। नहीं, आप रिवाइंड, आप अपने प्रोड्यूसर से कहिए रिवाइंड करके आपको दिखा दे आपने तालिबानी जमात कहा है, गलती हो गई होगी। ना, बिल्कुल नहीं शोएब जमाई, मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि हमने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, अब तो सर बोल दे। ठीक है, म्यूजिक